प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले महीने अमरीका की हालिया फेरी ने ना सिर्फ दवाले संबंधों को मजबूत किया सगों अमरीकी सिक्ख्या उद्योग लिए भारत में अपनी मार्केट का विस्तार करना आसान बना दिता है। इस कड़ी को होर मजबूत करने लिए अमरीकी राज अलबामा तो 17 सैनेटर सिक्ख्या शास्त्रियों का एक वफद भारत का दौरा कर रहा है जो अमरीकी सिक्ख्या के वक्त पहलुओं का प्रचार कर रहा है। अज इस वफद ने मोहाली स्थित अमरीकन एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सैनेटर तो इलावा अमरीका पंजाब हरियाणा के सिक्ख्या शास्त्रियों से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने शिरकत की। यह केंद्र अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों अमरीका उच्च सिक्ख्या हासिल करने मददगार साबित होगा। उद्घाटन तो बाद चंडीगढ़ प्रैस क्लब आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधन करद अमरीकन एजुकेशन सेंटर के डायरैक्टर राजन कुमार ने विदेश मंत्रालय के अंकड़ों का हवाला देंद है कि दोवे देशों विचाले मौजूदा व्यापार 200 बिलियन डॉलर का है और इस विच होर वाधा होने जा रहा है। इस संबंधी विद्यक खेत्र ने अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में 2.7 मिलियन भारतीय विद्यार्थी अमरीका में पढ़ रहे हैं जदों कि अमरीका 4.4 मिलियन का वड्डा भारतीय भाईचारा है। प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान वफद में सैनेटर आर्थर और बॉबी सिंगलटन डोनी चेशिन टिम मिलसन जे होवी प्रिंस चेसनट गिराल्ड डायल अकादमिक एरिक मैके श्रीनिवास जमनगुल्ला वाल्टर गोंसुलियन क्रैसल ब्रैडगिल कैरी जे पैलमर गोविंद मैनन रिने रोजर्स मिसन हान इकाली फुलमर ने सरहद पार के हुनर की गुणवत्ता और संभावना यकीनी बनाने प्रमाणीकरण की महत्ता उत्ते जोर दिता। अपने दौरे दौरान वफद ने नवी दिल्ली सिक्ख्या मंत्रालय के नाल मीटिंग करने तो इलावा लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आदि यूनिवर्सिटियां का दौरा करके इन संबंधों को होर मजबूत करने की कोशिश की है। माय नेम इज राजन कुमार एंड मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से मैंने एमबीए किया, मास्टर्स किया था 2009 में एंड 12 में मैं इंडिया वापस आया। तो उसके बाद आने के बाद मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑलरेडी हमारे एसोसिएट थी एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बाद फिर मैंने यहाँ पर आई स्टार्टेड वर्किंग विद द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इनका कोलैबोरेशन कराना शुरू किया एंड सबसे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ हुआ, देन CGC लांड्रा, देन लवली प्रोफेशनल रियात बारा यूनिवर्सिटी एंड मौलाना यूनिवर्सिटी में किया बाद में, देन उसके बाद देहरादून में ग्राफिकिरा यूनिवर्सिटी में। पहले तो हमने MOU साइन किए हैं। MOU का क्या है कि शेकिंग हैंड विद ईच अदर, एक जर्नल MOU वहाँ की यूनिवर्सिटी को यहाँ की यूनिवर्सिटी के। लेटर ऑन हमने वी स्टार्टेड डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके क्या निकल के आया भी क्या क्या यहाँ की यूनिवर्सिटी चाह रही हैं और क्या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ चाह रही हैं। अकॉर्डिंगली डैट फिर हमने वो प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बीटेक के बाद बच्चे यहाँ पर लाइक इंडस्ट्री ट्रेनिंग पे जाते हैं, उनको ट्रेनिंग लेनी होती है 6 मंथ की। हमने CGC लांड्रा के साथ मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया, अमेरिका में अरकानसा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया, स्पेशल वीज़ा कैटेगरी डिज़ाइन की। उसके बाद हमने इंडिया के पहले 6 बच्चे थे वो जो पहले इंडस्ट्री ट्रेनिंग लेने गए थे उस समय, लेटर ऑन हमें और कॉन्फिडेंस आ गया, फिर हमने सोचा कि हम 2+2 1+1 मॉडल चलाते हैं। 2+2 में क्या होता है कि 2 साल इधर आपने बीटेक की, 2 साल उधर की और डिग्री आपको वहाँ से मिलेगी। ऐसे ही 1+1 MBA है, वो भी लाइक सेम मॉडल है, डिग्री आपको वहाँ से मिलेगी, उसमें क्या क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो ओवरऑल हम आई हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 12 ईयर्स विद द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड US यूनिवर्सिटी, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं है अभी तक सो फार। रैदर दैन इसमें बहुत सारी बच्चों का बेनिफिट इसमें ये है कि उनको उनकी फीस कटिंग है, कॉस्ट उनकी काफ़ी बच रही है। अगर आफ्टर हाई स्कूल प्लस टू के बाद स्टूडेंट जाते हैं अमेरिका तो उनको बैचलर लेनी, 4 साल की डिग्री करनी है, 4 साल की फीस लगेगी। अगर ये मॉडल के थ्रू जाते हैं पाथवे प्रोग्राम के थ्रू इंडियन यूनिवर्सिटी के थ्रू, 2 साल इधर है 2 साल उधर, वहाँ 2 ईयर की फीस ही देनी है, तो स्टूडेंट कैन अर्न अ डिग्री बाय पेइंग 2 ईयर ट्यूशन फीस, उनकी 2 साल की फीस कट होती है। तो ये मेजर बेनिफिट है स्टूडेंट। सर फ्यूचर क्या देखते हैं जो बच्चा वहाँ पर डिग्री, आने वाला फ्यूचर बच्चे का कैसा होगा? दूसरा साथ ही मेरा सवाल ये है, जिस तरह से हमारे अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर अभी भी जाकर आए हैं, उसके बाद किस तरह से देखते हैं हमारे रास्ते? देखो रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी, अभी मेरे पास मेरे मोबाइल में है कि अभी US एम्बेसी ने अभी
दो लाख ढाई लाख वीज़े अभी उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा भी और ओपन करना है, तो वो मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है वो न्यूज़। एंड रिलेशन अच्छे डेवलप हो रहे हैं बिकॉज हम यूएस को चाहिए क्वालिटी स्टूडेंट, मैकेनिज्म चाहिए, टेक्नोलॉजी वहाँ है बट उसको चलाने के लिए स्टूडेंट चाहिए। एंड इंडिया इज़ द लीडिंग कंट्री, इंडिया इज़ इमर्जिंग कंट्री एंड फॉर यूएस के लिए इंडिया इज़ द फ्यूचर। हमारे बहुत सारे, जब मैं भी अमेरिका में था उस समय भी जितने भी बच्चे थे दे वर वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो। आज भी वो कोई साइंटिस्ट है, वो कहीं ना कहीं कोई नासा में जॉब कर रहा है, कोई आईटी कंपनियों में अच्छी जगह पे हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई उसमें इंजीनियरिंग में है, सिविल में है। एंड स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट स्टूडेंट बट दे नीड अ क्वालिटी स्टूडेंट। अगर अगेन मैं वही बात पे आऊँगा, अगर स्टूडेंट को वहाँ पहुँच के वही काम करने हैं, गैस स्टेशन के काम करने हैं, टैक्सी चलानी है, तो फिर तो यूएस उसके लिए नहीं है। फिर तो वो उसका माइंडसेट भी वो है कि मैंने वहाँ पहुँच के बस पैसे कमाने हैं, स्किल्स नहीं गेन करने हैं, मैंने एजुकेशन नहीं गेन करनी है। आई वुड लाइक टू गिव द मैसेज थ्रू योर चैनल कि अगर आप जा रहे हो तो प्रॉपर एजुकेशन को समझ के जाओ, यूनिवर्सिटी को समझो, उसकी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को समझो, एक्रेडिटेशन देखो एंड उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है, मेरे कोर्स का फ्यूचर क्या है उस कंट्री में, देन पहले यही होमवर्क करो, उसके बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर द यूएस।